डी कुम्हेर विधायक शैलेश सिंह, वैर पुसावर विधायक बहादुर सिंह कोली, बयाना विधायक ऋतु पनावत, मरतपुर विधायक सुभाष गर्ग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के आयुष्मान आरोग्य योजना की जानकारी देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने चिरंजीवी योजना के प्रचार पर पानी की तरह पैसा बहाया, उसका फायदा कुछ ही लोगों को मिला। हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की है, इसमें लोगों को 25 लाख तक का इलाज मिलेगा। हमने योजना में दूसरे राज्यों की सर्वोत्तम पद्धतियों को शामिल कर प्रभावी बनाया है। इसमें कैंसर जैसी योजना के लिए पैकेज, बच्चों के लिए कई तरह की बीमारियों के उपचार के पैकेज हैं। अन्य राज्यों के मरीज जो राजस्थान इलाज के लिए आते हैं उनके लिए प्रावधान है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 1800 से ज़्यादा हॉस्पिटल योजना से जुड़ चुके हैं। किडनी लीवर हार्ट के रोगों का भी इलाज किया जा रहा है। टीकाकरण प्रोग्राम में 13 लाख से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हमने मिलावट के खिलाफ शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया है, जिसमें सैंपल लेने के मामले में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। हमने अस्पताल की ओपीडी की पर्चियों पर हेल्पलाइन नंबर देना शुरू किया है। महंगी दवाओं की चिंता से मुक्ति के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा भारत सबसे आगे है, जिसकी भौतिक समृद्धि और स्वास्थ्य को महत्व दिया गया है। यह पर्व हमने जीने का सलीका भी सिखाता है। यह पर्व बताता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसके बिना जीवन में उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और पहला सुख निरोगी काया ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पूरी तरह से हम ध्यान दें। हम हर चीज को स्वास्थ्य के प्रति ऐसा नहीं लें कि लापरवाही की तरह से हम लें उसको। हम अगर ठीक प्रकार से चलेंगे तो पहला सुख निरोगी काया होता है। धन का भोग करने के लिए लक्ष्मी जी की कृपा के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होना आवश्यक है। भगवान धन्वंतरी को देवों का वैद्य कहा गया है, वो देव वैद्य हैं, का पद हासिल भी उन्होंने आयुर्वेद से परिचय कराया। कहते हैं भगवान धन्वंतरी को सभी रोगों का चिकित्सा पद्धति में बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से मैं आयुर्वेदिक सहित पूरी आयुष चिकित्सा को नया मुकाम मिला है। राजस्थान आयुष मिशन के लिए 344 करोड़ रुपए की कार्य योजना के तहत आयुष संस्थागत ढांचे को आयुष्मान आरोग्य मंदिर और गुणवत्ता औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। हमने अजमेर में आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय और महुआ दौसा में आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। हमने 8 जिला मुख्यालयों पर संचालित औषधालयों को जिला आयुष चिकित्सालय बनाने का और उन्हें क्रमोन्नत करने का काम किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच कि गांव गरीब और हर जरूरतमंद को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, धन के अभाव में कोई भी जांच दवा या उपचार से वंचित नहीं रहे, हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो और हर देशवासी का स्वास्थ्य उत्तम रहे, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। इसी संवेदनशीलता और मानवीय भाव के साथ आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के हमारे बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क उपचार की सौगात दी गई है। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी कई अन्य कार्यक्रम भी की सौगात दी गई है। कोविड महामारी ने हमें कई सबक दिए हैं। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 21-22 में स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत ढांचा बनाने के लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू की है। इसके तहत उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवन निर्माण, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माण जैसे आधारभूत ढांचे के काम शुरू किए गए हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में 1111 रहे
भवन रहित उप स्वास्थ्य केंद्रों में से 735 पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा 184 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 33 इंटीग्रेट हेल्थ लैब, 519 शहरी आरोग्य मंदिरों में 33 क्रिटिकल केयर ब्लॉक के कार्य जल्दी पूर्ण कराए लिए जाएंगे। आज करीब 211 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक भरतपुर, धौलपुर, चूरू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही और करौली में व हनुमानगढ़ का शिलान्यास किया जा रहा है। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, आइसोलेशन बेड, ऑपरेशन थिएटर, अन्य इमरजेंसी केयर सुविधाओं से सुसज्जित इन क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना राज्य में संचालित जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में की जा रही है।